वास्कुलर हार्ट जो मसल्स का बना होता है हमारे शरीर में। तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में ढेरा, और तरह संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ स्वरूप। एक वो हृदय जिसमें हम उस परमात्मा का शिव बाबा का आह्वान करते हैं। शिव जी का एक बहुत फेमस श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणाम तारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंता हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। तो एक हृदय तो वो है जिसमें हम बाबा का आह्वान करते हैं, अपने गुरु का आह्वान करते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं कि वो ही यहां से बोले। उसी की ताकत है, उसी की हिम्मत है, उसी की शक्ति से ये शरीर बोल सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा हृदय है वास्कुलर हार्ट जो शरीर को चलाता है, तो थोड़ा सा तेज दौड़ लगाओ तो यहाँ धड़धड़ मालूम पड़ती है। ये हृदय है, इस हृदय को पे थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारी करीब करीब यूं समझे सा मुट्ठी के आकार का रहता है, यहाँ हृदय के बीचों यहाँ चेस्ट के बीचों बीच रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसीलिए बोलता है लेफ्ट साइड। बोलते हैं हार्ट हमेशा होता लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे इस जगह स्थित रहता है। इसका काम यह है कि ये लगातार चलता रहता है, जैसे पंप चलता है और पूरे मकान में पाइपलाइन में पानी फैलाता है, ऐसे हृदय का काम यह कि लगातार चलता रहता है और ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक सेल को यह हार्ट पहुंचाता है। तो ये वाइटल ऑर्गन है, मुख्य चीज है। तो इसका मेन काम ये है कि लगातार चलते रहना है और हर कोशिका को न्यूट्रिशन देना है। अब हम हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, रोज हम सुनते हैं, तो इसको साधारण भाषा में समझें जैसे पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, ये तो बाहर से दिखता है एक हाथ एक पांव चला गया, तो शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट अटैक का मतलब यह कि हार्ट का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा 20-30% काम करना बंद कर दे, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो पंपिंग पावर है वो काम हो जाती है। इसे को तीन भागों में विभाजित करते हैं, हार्ट को जो एनर्जी मिलती है पंप करने के लिए उसमें तीन मेन ब्लड वेसल्स रहती हैं, तीन नलियां रहती हैं। तो एक सिंगल वेसल, एक बोलते हैं एक नली ब्लॉक हो गई, दो नली ब्लॉक हो गई, तीन, फिर ट्रिपल वेसल डिजीज होती है साथ, सिंगल वेसल, डबल वेसल, ट्रिपल वेसल। मोटा अंदाज ये समझें कि सिंगल वेसल डिजीज में करीब 20% लॉस ऑफ फंक्शन होता है, डबल वेसल डिजीज में करीब करीब 30-35% लॉस ऑफ फंक्शन होगा, और अगर तीनों नसें ब्लॉक हो गई तो करीब करीब 50% फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, पर वो काम तो करेगा क्योंकि साइड में थोड़ी छोटी छोटी नलियां और रहती हैं जो उसको हेल्प करती हैं, एकदम बंद नहीं होता है। कुछ लोगों को सडन हार्ट अटैक जिनको हमने सुना हो, उनके पास में गया और हमारे भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, अगर किसी ने उस समय में सुना हो तो वो बाथरूम में गए और वहीं अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा 10% लोगों को अचानक हार्ट अटैक होता है बिना किसी पूर्व सूचना के, और एकदम से जैसे बिजली का वो स्विच ऑफ वो हो गया, अपना फ्यूज चला गया, ऐसा फ्यूज चला जाता है, सडन डेथ हो जाती है। पर नॉर्मली जो हार्ट अटैक होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज होता है। तो उसका पहला और महत्वपूर्ण लक्षण केवल है चेस्ट में, छाती में दर्द होता है। हमारी नॉर्मल समझ है कि लेफ्ट साइड में दर्द होता है, पर वास्तव में हार्ट अटैक का दर्द लेफ्ट साइड में नहीं होता है, यहाँ बीच में होता है। इसीलिए इस दर्द को हम ज्यादा करके लोग गैस से कंफ्यूज करते हैं, वो समझते हैं यहाँ गैस चल गई, एसिडिटी हो गई, पर हार्ट अटैक और गैस का दर्द अलग है, उसको डिफ्रेंशिएट करने में फिर चिकित्सक मदद करता है। पर लेफ्ट साइड में नहीं होता है, यहाँ सेंटर में होता है और यहाँ से लेफ्ट आर्म में जाता है। अगर यहाँ से उठ के दर्द लेफ्ट आर्म में जा रहा है तो ये टिपिकल 100% हार्ट का दर्द है। पहली स्टेज में दर्द जो होता है वो चलने को होता है, जैसे यहाँ से अपन बाहर चले और करीब 10-20 कदम चले और थोड़ा सा दर्द हुआ और अपन कहीं बैठ गए या इवन रुक गए,
और एकदम से दर्द ठीक हो जाएगा, फिर से चलना चालू कर दिया। तो इसको ये पहली स्टेज है, इसको एंजाइना बोलते हैं, स्टेप वन है। इससे जो ज्यादा तकलीफ होती है वो दर्द लगातार करीब भाई 15-20 मिनट आधा घंटा चले, और जो इससे सीवियर अटैक ट्रिपल वेसल डिजीज या इससे सीवियर अटैक जो बोलता है वो इतना सीवियर होता है कि उसमें व्यक्ति घर में रह ही नहीं सकता, उसको अस्पताल की मदद लेनी ही पड़ेगी। पहली दो स्टेप में आदमी थका लेता है कि चलो थोड़ा सा चलने पे दर्द हुआ, बैठ गए, फिर चलना चालू कर दिया, वहां तक आदमी अवॉइड करता है क्योंकि एकदम पकड़ नहीं पाता है, पर होता वो शुरुआत वहीं से होती है। और तीसरी स्टेज पे तो उसको अस्पताल जाना ही पड़ता है। तो पहला और अंतिम लक्षण ये है कि यहाँ सेंट्रल में दर्द लेफ्ट साइड को रेफर होता है, लेफ्ट आर्म में। गैस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमेशा। ये उज्जैन में बहुत सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर माथुर, कार्डियोलॉजिस्ट थे, खुद MD थे, वो खुद हार्ट अटैक में गए। और जो सुनने में आता है मेरे से भी काफ़ी पुराने थे कि रात को कहीं से भोजन वोजन करके आए थे और ऊपर अपने कमरे में जा रहे थे, बस कोई दर्द हुआ, वही कन्फ्यूजन होता है कि गैस गैस है। आदमी पहले कोशिश करता है डाइजिन खा ले, नोट ले, ये कर ले, वो कर ले, और उसमें उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको अपने को क्लियर करना चाहिए। बाद में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी अपन बात कर लेंगे। तो हार्ट अटैक और हार्ट के लक्षण। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है, रीजन। जब तक कारण मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते। तो कहते हैं जैसे अपन पैदल चलते हैं तो दो काम होते हैं, एक पांव हमारा फिक्स रहता है जमीन पे जमाते हैं, दूसरा पांव हम आगे बढ़ाते हैं, तभी ये पैदल चलने का कार्य होता है। ऐसे ही जीवन के प्रत्येक कर्म के पीछे, प्रत्येक समस्या के पीछे, प्रत्येक बीमारी के पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर होता है अपरिवर्तनशील, फिक्स, जिसको हम बदल नहीं सकते, और एक फैक्टर होता है फ्री, जो हमारे वश में है, जो हम बदल सकते हैं। फिक्स फैक्टर की बात आज जो बाबा मुरली में कर रहे थे कि हमारा जो पुराने कर्मों का खाता है, जो अकाउंट है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो अनेक जन्मों से वो चला आ रहा है। तो ये फिक्स फैक्टर है। इस फैक्टर के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में सुखद दुखद अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, और वो परिस्थितियां भी आज बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया कि तीन तरीके की परिस्थितियां आती हैं। इसको शास्त्र में ताप त्रय बोला है, तीन तरीके के ताप होते हैं। एक प्राकृतिक परिस्थितियां आती हैं, एक पारिवारिक और एक पर्सनल। ऐसे तीन तरीके के दुख, तीन तरीके की परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं। इन परिस्थितियों को कोई नहीं बदल सकता, और इसको ही हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं जीन्स। उसके जीन्स ऐसे कि वो मोटा हो गया, अचानक, जैसे जिन लोगों को हम देखते हैं कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अर्ली एज में हो गया, अथवा बच्चा पैदा हुआ और उसको हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गया, उसने तो अभी कुछ कर्म किया नहीं, पैदा होते से उसको जुवेनाइल डायबिटीज हो गई, हृदय में अंदर शेर हो गया, कोई ओल्ड इफेक्ट रह गया। तो ये पुराने जन्मों के, जो जन्मों से हमारे कर्म है उनका परिणाम, इसको हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स को बदला नहीं जा सकता है, अभी तक विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं करी कि हम जीन्स को बदल पाए। दूसरा, ये है हमारा फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है फ्री, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा आज का कर्म है, जो नया कर्म है, जो पुरुषार्थ है, जिसको हम क्रियमान कर्म बोलते हैं, वो फ्री है। और जब फ्रीडम होती है तो चॉइस होना चाहिए लोग कि फ्रीडम में से सिलेक्ट किसको करें। तो चॉइस दो ही है, या तो हम अपनी मनमत पर चलें या श्रीमत पर चलें, या हम अपनी मनमानी करें या बाबा की मानें, तीसरी कोई चॉइस ही नहीं। देखो अपन रास्ते पे चलते हैं, एक कायदा है कि लेफ्ट साइड में चलना चाहिए हिंदुस्तान में, अमेरिका में लोग राइट साइड में चलते हैं, उनका कायदा है। अब लेफ्ट साइड में नहीं चलोगे तो कहाँ चलोगे, राइट साइड में, और कोई बीच का तो कोई रास्ता है नहीं। आप बीच में चलोगे तो कोई ना कोई लेफ्ट होगा, कोई ना कोई राइट होगा, ऐसा एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट ये राइट है और ये लेफ्ट है,
तो या तो हम विधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे, या हम बाबा की मत को मानेंगे या नहीं मानेंगे। मन मत का मतलब यह है कि हम श्रीमत को नहीं मान रहे, हम बाबा की बात को नहीं मान रहे, हम अपने गुरु की बात को नहीं मान रहे, हम अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मान रहे, और जो हमारे मन में आ रहा है वो करेंगे। अब रिजल्ट सबको मालूम है कि अगर सही सही चलेंगे तो चालान बनेगा, हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो चालान बनेगा ही बनेगा। अगर आपके हाथ में जेब में लाइसेंस नहीं है तो उस खाकी वर्दी वाले को देख के डर लगेगा ही, हृदय धड़केगा और इधर उधर से गलियों में। हम भी जीवन में यही करते हैं, जब हम मनमत पे चलते हैं तो हम बाईपास करते हैं। जैसे बोलते हैं अर्जुन ने क्या किया, युद्ध नहीं करूंगा, बाकी सब करवा लूंगा।